वो पेज नंबर 5, टॉपिक इज वर्कशीट 2 एंड डिटर्मिनेशन. सो डिटर्मिनेशन मीन्स पूरे तन मन लगन, पूरे अपनी फोकस से जिस कार्य को हम करते हैं उसे डिटर्मिनेशन कहते हैं. सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से इस कहानी में इस डिटर्मिनेशन शब्द का यूज़ किया गया है. हम पहले देखेंगे, सी द फ्रॉग वॉज होपिंग अराउंड इन अ फार्म यार्ड. मीन्स मेढक जो है वह फार्म यार्ड मीन्स वह जगह होती है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है. सपोज डोमेस्टिक एनिमल्स सम पीपल्स यूज टू कीप, कुछ लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं जैसे गाय, बफनोज, शेप्स, हैंस, सच एनिमल्स यूज टू कीप्ट इन फार्म यार्ड्स. सो इस तरह की जगह में फ्रॉग होपिंग करते हुए मीन्स जंप करते हुए, लाइक दिस जंप करते हुए वह फार्म यार्ड में गए. वेयर ही स्पॉटेड अ काउ, वहाँ पर उसने एक गाय को देखा. एंड ही डिसाइडेड टू गेट अ क्लोजर लुक टू हर, और उसने गाय को और पास से जाके देखने की कोशिश करनी चाहिए. विस्लिंग ही होप्ड टूवर्ड्स द काउ, और धीरे धीरे शोर नहीं करते हुए हनकी आवाज़ों में वह गाय के पास गया. वैन प्लॉप, और तभी एक आवाज़ हुई प्लॉप. ही फेल इनटू अ पाइल ऑफ फ्रेश मिल्क, और उस आवाज़ का मतलब था कि वह झटके से एक दूध के बकेट में गिर गया. जब कुछ भी चीज़ गिरता है हमारे हाथों से या फिर हम ज़मीन पर गिर जाते हैं तो आवाज़ होती है, उसी तरह से एक आवाज़ हुआ जैसे कि मेढक किसी चीज़ में गिर गया हो. एंड टू बर्ड्स फ्रॉम अ नियर बाई ट्री, और इस दृश्य को दो चिड़ियाँ जो पास के पेड़ पे बैठी हुई थी, वॉचिंग द फ्रॉग फॉलिंग इनटू द पाइल, मेढक को उस दूध में गिरते हुए देख रही थी. ओके, एज द फ्रॉग बिगिन टू डाउन, और जैसे ही मेढक उस दूध में डूब रहा था, बिगिन टू डाउन, डाउन मीन्स डूबना, मीन्स सपोज दिस इज अ बकेट, एंड व्हेन द फ्रॉग फेल ही डाउन्ड, वो नीचे की तरफ डूब रहा था, मीन्स धस रहा था. ही बिगिन टू मूव हिज फीट टू सेव हिमसेल्फ, वो अपनी पैरों को चलाने लगा खुद को बचाने के लिए. ओके, ही वॉज ट्राइंग टू मूव हिज लेग टू सेव हिमसेल्फ. ही स्वैम राउंड एंड राउंड, और वह गोन गोन इस दूध के गोन गोन चक्कर लगाने लगा. ओके, ट्राइंग टू रीच फॉर द साइड ऑफ द पाइल, ताकि वह राउंड राउंड करके कहीं तो पहुँचे, थोड़ा तो ऊपर आ जाए. बट नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग टू रीच एट द टॉप ऑफ द पाइल, लेकिन वह ऊपर तक किसी भी हालत में नहीं पहुँच पा रहा था. बट द वॉल्स वेर टू हाई एंड स्टेप, लेकिन इनकी ये जो बकेट थी, इसकी जो दीवार थी ना, ये इतनी ऊंची थी और थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह जितना ही कोशिश करता ऊपर चढ़ने की, वह वापस स्लिप खा के नीचे ही गिर जाता. द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अराउंड द पाइल बट कुड नॉट हेल्प हिम, और जो मेढक थे, बर्ड्स थे, वह मेढक को बचाने के लिए आसपास घूम रहे थे, लेकिन वह उसे बचा नहीं पा रहे थे. ओके, बिकॉज द फ्रॉग वॉज इनसाइड मीन्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द पाइल, वो एकदम नीचे में था, तो उसे चिड़िया कैसे बचा सकती थी. सो बर्ड्स आर हेल्पलेस, वह उसे नहीं बचा पा रही थी. ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज बैक लेग्स, और फिर मेढक अपने आप को और कोशिश कर रहे थे बचाने की, और अपने पीछे के पैर, जैसे हमें पता है कि मेढक के पीछे के जो पैर होते हैं वो ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं सामने से, तो वह अपने पीछे वाले पैरों से भी कोशिश कर रहे थे, और वह ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे. सी टू पुश हिमसेल्फ ऑफ द बॉटम, वह नीचे से ऊपर चढ़ने की, नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे. बट नॉट पॉसिबल अगेन, बट फाउंड टू
डीप, लेकिन वो इतना गहरा था, मीन्स वो बकेट इतना बड़ा था कि वह मेढक हर कोशिश नाकामयाब रहा मेढक की। द फ्रॉग वॉज डिटरमाइंड, अब देखो मेढक की जिद हो गई कि मैं तो बाहर निकल के रहूँगा, आई विल नॉट गिव अप, मैं हिम्मत नहीं हारूँगा जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। हियर द वर्ड वी गेट डिटरमाइंड द चैप्टर नेम। डिटरमाइंड मीन्स तय कर लेना, अपने दिमाग में तय कर लेना वन फोकस कि मैं तो ये चीज़ करके रहूँगा एंड आई विल डू इट, और उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। ही कंटिन्यू टू फाइट, और वह अपनी युद्ध जारी रखा। फाइट मीन्स हियर तलवार और भाले से फाइट नहीं है, यहाँ पर दूध में अपनी जान बचाने की युद्ध है। सो मेढक की युद्ध अपने आप से है, अगर वह फाइट नहीं करेगा तो वह दूध में ही डूब के मर जाने वाला है। सो ही फाइट एंड ही गेट द सक्सेस दैट वी विल सी आफ्टर। ही किक्ड, और उसने अपने पैरों से इतना मतलब उछल कूद किया, किक्ड मतलब कि पैर मारना। टर्न एंड ट्विस्टेड अंटिल एट लास्ट, और उसने तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि दूध कुछ बन नहीं गया। और देखो फिर उसने दूध को इतना चलाया कि ऑन हिज शेकिंग इन अ मिल्क टर्न्ड इट इनटू अ बिग चंक ऑफ बटर, और आखिर में वह दूध जो था वह एक मक्खन का गोला बन गया, मीन्स बिग चंक ऑफ बटर। आप सब जानते हो बटर इज अ हार्ड पार्ट, इज अ सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क। बटर जो है दूध का सॉलिड पार्ट होता है, एंड वी गेट बटर फ्रॉम द मिल्क ओनली। बटर हमें दूध से ही मिलता है, और कैसे, जब हम दूध को बहुत चलाते हैं इस तरह से, तब वह दूध बटर बन जाता। सेम थिंग हियर हैपेंड विद द फ्रॉग, वही चीज़ फ्रॉग के साथ हुआ, उसने इतना कोशिश किया कि वह दूध जो था वो बटर बन गया। एंड देन द बटर वॉज द सॉलिड एंड हार्ड, जो मैंने बताया बहुत ही हार्ड और सॉलिड होता है। द फ्रॉग इजली क्लाइम्ड ऑन इट, और वह मेढक बहुत आसानी से उसके ऊपर चढ़ गया, मीन्स इसके ऊपर चढ़ गया। एंड होप्ड आउट ऑफ द पाइल, और फिर इसके बाद वह बकेट से छलांग लगा के बाहर निकल गया। द काउ ऑब्जर्व्ड द फ्रॉग जंपिंग आउट एंड नोटेड इट्स हेड विथ हैप्पीनेस, और फिर गाय ने देखा कि किस तरह से मेढक जब वह बकेट से बाहर निकला, मीन्स द फ्रेश मिल्क पाइल ऑफ मिल्क, जब वह बाहर निकला तो उसकी खुशी जो थी वह दुगनी थी, क्योंकि उसने अपने आप से अपनी जान बचा ली। ठीक है, और कुछ भी ऐसा बड़ा काम अगर आप करते हो तो आपकी खुशी की ठिकाना नहीं रहती। सेम थिंग इधर फ्रॉग को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने आज अपने आप को ही अपने आप से बचा लिया, मीन्स दूध में डूब के मरने से बचा लिया। सो इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि अगर आप प्रयास करोगे तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम हर चीज़ कर सकते हैं कोशिश के ऊपर। और ये एक्सरसाइज आपको